हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और इसके लिए हमारे पास 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो जिस इक्वेशन को निकालना है उसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसके अनुसार हो जाएगा 2 × α² + β²। और देखिए ध्यान से, ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसके जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α β। अब तो कुछ बात ही नहीं है। देखिए अल्फा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, ये कुछ और नहीं है, सम ऑफ रूट्स है। अल्फा इंटू बीटा चाहिए जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो ठीक है, वैल्यू रख दिया जाए अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए माइनस पी अपॉन 1, तो माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 × α β निकालेंगे तो क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनस 2q आ गया। तो मतलब ये हुआ कि सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 × p² माइनस आपका 2q हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सम ऑफ रूट्स। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें। तो देखिए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। तो अगर हम प्रोडक्ट करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। या तो फिर इसको ऐसे भी आप रख सकते हैं। देखिए एक्चुअली है क्या, हमें पता है, यहाँ पे बता दूँ, हमें ओरिजिनल इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा मालूम है जो कि माइनस पी है, अल्फा इंटू बीटा भी मालूम है जो कि क्यू है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा तो गिवन नहीं है। तो यहाँ भी हम एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर ले, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस पी है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्यू है तो आपका 4q हो जाएगा। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है तो आपका माइनस पी है, माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ निकाले हुए हैं तो ये आपका आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इन प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। ये देखिए फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, कब, जब हम सम ऑफ रूट्स इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस्तेमाल करें। तो सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने निकाला हुआ है, यहाँ पर निकाले हैं हम लोग 2 × p² माइनस
टू क्यू इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोगों ने यहाँ निकाला हुआ है, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू इक्वल टू जीरो। अब जरा देखिए तो जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट किया हुआ है वह किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, क्योंकि देखिए कैलकुलेट करने के बाद ना मैच करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग कभी कभी मैच करने में भी गड़बड़ी करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है, फोर्थ तो नॉन ऑफ दीज है। मिडिल टर्म जरा ध्यान से देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पर है, उसके साथ साथ और भी मिलाया करिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी, टू इंटू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस माइनस फोर क्यू, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सेकेंड जो है करेक्ट है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, देन वी हैव टू फ्रेमिंग सच इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो ओके नो प्रॉब्लम, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस 3 है अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, तो इस तरीके से 3 अपॉन 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो कांस्टेंट टर्म माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 जो कि माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स कितना कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 है और बीटा स्क्वायर प्लस 2 है, तो हम लोग क्या करें प्लस कर दें इन रूट्स को। तो प्लस करने पे देखिए क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू फोर हो जाएगा। अब जरा देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ एक अलजब्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लें। एक्चुअली देखिए फार्मूले का बहुत बड़ा रोल है, जितना फार्मूला आपको याद रहेगा उतना ही आपको बेटर फील होगा क्वेश्चन लगाते समय, क्योंकि देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, और जबकि यहाँ निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसलिए हम लोग अलजब्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल किए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है तो 3/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा माइनस 6 है तो ये आपका प्लस 6 हो जाएगा, और हमने प्लस 4 कर लिया। अब ज़रा ध्यान से देखिए 9/4 प्लस 6 4 जोड़ दीजिए 10, तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा 49/4 आ जाएगा, ये निकल गया सम ऑफ रूट्स। अब हम लोग बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें। तो देखिए रूट्स कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 है, दूसरी रूट्स कितनी है बीटा स्क्वायर प्लस 2 है, मल्टीप्लाई किया जाए। इसे भी ध्यान रखिएगा पहले अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, अब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 बीटा स्क्वायर अब प्लस 4 2 इंटू 2। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों में 2 कॉमन तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये प्लस 4। अल्फा बीटा हम लोग यहाँ पे हम लोगों के पास है अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 3 है तो ये 9 हो जाएगा प्लस 2, फिर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। तो दोबारा हम लोग इस्तेमाल कर लें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये देखिए हम लोग निकाले हुए यहाँ पर 9/4 प्लस 6। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 24/9 33, तो 33/4 हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहीं से इस्तेमाल कर लिया हूँ, और ये देखिए प्लस 4। जब इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, तो 33/2 9/4 ये हो जाएगा 13, और ये देखिए 2 33 और ये आपका हो जाएगा 26,
जब इसे हम लोग प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा 59/2 आ जाएगा। चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं ना, 118 लिख देते हैं अपॉन, इसे हम लोग लिख देते हैं 118/4 लिख देते हैं, क्योंकि सम ऑफ रूट्स में भी डेनोमिनेटर आपका 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी हम डेनोमिनेटर 4 बना देते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन में ईजी रहेगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना आया है तो 49/4 आया है, इनटू एक्स, प्रोडक्ट रूट्स कितना आया है 118/4 इक्वल टू 0, 4 से हम लोग पूरे में मल्टीप्लाई कर लें, तो 4x² - 49x + 118 = 0। इस तरीके से हम लोगों ने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया। अब देखिए निकालने के बाद हम लोग का मेन टास्क क्या होता है, मल्टीपल चॉइस में जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे मैच कराना। तो 4x² तीनों ही पॉजिटिव है, 49 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस पहले में है और तीसरे में है। अब देखिए कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, +118 है, तो हम देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है इससे मैच कर रहा है, तो पहला करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।